सहरसा के महिषी प्रखंड में स्थित राजनपुर पंचायत आज अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। यहाँ के लोग आजादी के कई दशकों बाद भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। वजह है प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की बेरुखी। पेश है एक रिपोर्ट। ये नजारा है सहरसा के महिषी प्रखंड में स्थित राजनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 12। आप सोच रहे होंगे कि बांस से बना यह घास फूस का झोपड़ी नुमा आकृति है क्या? दरअसल यह बच्चों के लिए खोला गया स्कूल है। हैरान हो गए ना, लेकिन यही हकीकत है। बच्चों को शिक्षित करने के मकसद से लोगों ने चंदा इकट्ठा कर स्कूल खोला ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ सके। बावजूद इसके शिक्षकों के ना होने की वजह से स्कूल में पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। स्कूल का चंदा लगा के बने लिए हैं, लकड़ी के मास्टरे नहीं छे, मास्टरो नहीं छे। ए महीना के बाद तो भर जान पानी भए जाए छे, वो स्कूल में भए जेते तो बच्चा डूबते कि पढ़ते। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ के किसी भी मुखिया या जनप्रतिनिधियों ने इनकी कभी सुध नहीं और न ही कभी इलाके की समस्या का निवारण करने की कोशिश की। दिक्कत की छे, दिक्कत या छे से धियापुता के दिक्कत है, कल के पानी के दिक्कत है, हमारा बेटा का आधार कार्ड नहीं है, हमारा बेटा का राशन भेट रहा है। पढ़ाई लिखाई करना करे, पढ़ाई लिखाई कुछ न, स्कूल न पढ़ते तो पढ़ाई कहाँ से। मुखिया जी नहीं आवे छे, मुखिया जी बदल से ना देखी, मुखिया जी आवे यहाँ, ये मुखिया छे आवे छे सही छ, मगर लोग कौन जाके हम गुजरल मगर कहियो अतवा राशन दे गेले की से हम फूलो दे दे छी हमर जाय छी तब न जी रहल छी हमरा ना ना दलक या ना क्या जे ठन जाय छी घर पत मिले या मिले नुका रहे छे नुका रहे छे नुका रहे छे ओकर बीबी कला के गेट लग छे ना छे। इस इलाके के विकास के लिए कई सालों से प्रयासरत रहे समाज सेवी डॉक्टर संजीव कुमार बताते हैं कि यहाँ के लोगों को नेताओं ने वोट के नाम पर सिर्फ ठगने का काम किया। राजनपुर पंचायत में घुसखोरी का इस तरह चरम सीमा पे है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। भ्रष्टाचारी इस तरह बढ़ा हुआ है, उस पे लगाम कसना बहुत ही जरूरी है। अभी जो है वर्तमान मुखिया के द्वारा जमीन दिलाने के नाम पे, इंदिरा आवास दिलाने के नाम पे, राशन कार्ड बनवाने के नाम पे जनता को लुभाने का प्रयास कर रहा है। ये बिल्कुल ही गलत है। आपने 5 साल में तो किया नहीं और इसने आप 5 दिन में क्या करेंगे? ये ऐसा नहीं होगा। मैं पूछता हूँ सभी उस प्रतिनिधि से जिसको मौका मिला 5 साल का, वो क्या किए? कुछ नहीं, गरीब के लिए कोई काम नहीं किए। आज जो ये देख रहे हैं आप पुरनवास का जो मामला है, बिशनपुर पुरनवास, इतनी बड़ी यहाँ महादलित का बस्ती है और वहाँ पढ़ाने के लिए खुद लोग चंदा करके स्कूल बनाने का तैयारी कर रहे हैं। ऐसे प्रतिनिधि को तो डूब मर जाना चाहिए। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, कभी भी तारीखों की घोषणा हो सकती है। ऐसे में जनता के सामने एक बार फिर मौका है कि ऐसे प्रत्याशी को चुने जो अपने वायदों पर खरा उतरते हुए क्षेत्र का विकास कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज।